अगर ब्लॉग पोस्ट है उसको आपको SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है ताकि वो सर्च इंजन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से रैंक करे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें मैं आप आज को बताने वाला हूँ, मैंने नोट करके रखा है अपनी नोट पैड पर कि कौन कौन सी वो ऑन पेज SEO चेकलिस्ट होने चाहिए, यानी कौन सी वो SEO ट्रिक्स हैं जो कि आपको चेक करनी है अपनी पोस्ट को पब्लिश करने से पहले, कि आपकी पोस्ट के अंदर वो चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर वीडियो के, वो आपकी पोस्ट के अंदर है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसे ज़रूरी ऐड करना ही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो है मेटा टाइटल। जी हाँ दोस्तों, मेटा टाइटल किसी भी पोस्ट के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर पोस्ट लिखते हैं, जैसे मान लिया आपने हेल्थ पर कोई पोस्ट लिखी है या फिर टेक्नोलॉजी पर कोई पोस्ट लिखी है, अगर आपने हेल्थ पर कोई पोस्ट लिखी है, जैसे हम कुछ भी चीज़ कह सकते हैं पानी कैसे पिया जाए, तो ये इतनी सी में ही आपको नहीं लिखना है, छोटा नहीं रखना है, इसे कम से कम आप 30 से 35 या 50 कैरेक्टर्स तक लेकर जाइए, यानी कुल मिलाकर इसे 35 से 50 कैरेक्टर्स तक आप अगर लेकर जाएंगे तो आपकी जो पोस्ट का टाइटल होगा वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि गूगल भी इसे रेकमेंड करता है। तो आप इसे बिल्कुल एकदम थिन ना करें, छोटा ना करें, ज़्यादा 4-5 शब्दों में ही ना रहने दें, इसे कम से कम 7-8-10 शब्दों में रखने की कोशिश करें, 7 शब्द या 5 से 7 शब्द, क्योंकि 50 कैरेक्टर्स के अंदर आ जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपको बिल्कुल क्लियर रख के चलना है। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप समझ सकते हैं आपकी पोस्ट जो होती है उसके नीचे स्निपेट में क्या चीज़ दिखाई देनी चाहिए आपको, उसके जो जैसे आपने अपनी कोई भी पोस्ट लिखी उसमें आपने 4-5 पैराग्राफ बना दिए हैं, तो पहले ही पैराग्राफ में आपकी जो पोस्ट का टाइटल है वो आ जाना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर वो नहीं आता है तो आपकी पोस्ट को थोड़ा रैंक होने में भी थोड़ा ये समझ लीजिए कि 15-20% उसकी रैंकिंग फैक्टर पर वो इफेक्ट डालती है। तो आपकी पोस्ट के अंदर जो टाइटल है उस टाइटल के साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपकी पोस्ट का वो टाइटल आना चाहिए। जैसे आपने हेल्थ के ऊपर कोई पोस्ट लिखी उसमें लिखा आपने पानी कैसे पिए, तो आपको इसे भी सबसे पहले जैसे आप पोस्ट की शुरुआत करें तो उसमें लिख देना है कि नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ या आपको बताने वाली हूँ कि पानी को कैसे पीना चाहिए, पानी को कैसे पिए। तो इसे इंक्लूड कर देना किसी भी तरीके से, उसमें बीच में घुसा देना है, ऐसे कह सकते हैं आप। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो है डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी H1 टाइटल। डॉक्यूमेंट की एक हेडिंग होती है जिसे हम पोस्ट बोलते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो H1 टाइटल कुछ वर्डप्रेस के अंदर H1 टाइटल के रूप में, वर्डप्रेस टाइटल जो पोस्ट का टाइटल होता है उसे ही H1 मान लेता है, लेकिन उसके नीचे भी H1, H2, H3, H4 ये सब चीज़ें आगे नीचे चलती जाती हैं, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो यानी जो हेडिंग होती है पोस्ट में, अपनी हेडिंग जरूर दें, कम से कम 2 से 3 हेडिंग लेने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि गूगल भी इन चीज़ को कैचअप करता है। गूगल के जो रोबोट्स आपकी पोस्ट पर आते हैं, आपकी वेबसाइट पर आते हैं, ब्लॉग पर आते हैं, वो इन चीज़ों को कैचअप करते हैं कि जो हेडिंग आपने बनाई है वो ये समझते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने किसी भी टॉपिक पर कोई भी हेडिंग बना दी है तो उसे अगर कोई भी उस टॉपिक पर सर्च करता है तो आपकी उस पोस्ट को भले वो उससे रिलेट ना करते हो, लेकिन अगर आपने वो कोई टॉपिक या कोई भी हेडिंग बनाई है तो उसे ले जाकर उसकी आपकी पोस्ट को उसके सामने परोस सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं आपकी SEO के अंदर। इसके बाद आता है SEO फ्रेंडली URL। SEO फ्रेंडली URL क्या होना चाहिए, यानी जैसे आपने कोई भी पोस्ट लिखी, पोस्ट तो आपने हिंदी में लिखती लेकिन आप URL इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्योंकि URL सेट ही इंग्लिश में होता है, वो हिंदी में सेट ही नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आपने लिखा पानी कैसे पिए, आपने अगर ये हिंदी में लिखा है तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं पानी कैसे पिए, यानी जैसे PAANI ऐसे करके पानी कैसे पिए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि URL को आपको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, उसे शॉर्ट ही रखना है, क्योंकि वो थोड़ा सा ही दिखाई देता है जब आप देखते हैं। तो आपने देखा भी होगा गूगल सर्च पर, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं कि पानी कैसे पिया जाए, उसमें जब अगर कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर लिखा होता है www.website और उसके बाद .com और /लगाने के बाद उसके बाद वहाँ पर पोस्ट का जो URL होता है वो होता है। इसके बाद आता है नंबर सब हेडिंग्स का, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यानी H2, H3, H4, H5, H6 तक ये आगे भी जा सकता है, जितनी भी आप हेडिंग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप कम से कम H1 के बाद जो पोस्ट का टाइटल होता है H1, H2, H3 और H4 तक जरूर जाएं, कम से कम 3 से 4 हेडिंग जरूर लिखें। इसके बाद बात आती है मल्टीमीडिया की। जी हाँ दोस्तों, आपकी पोस्ट के अंदर आपको कितनी जो है, अगर आप ट्यूटोरियल पोस्ट बना रहे हैं किसी चीज़, उसमें कुछ बता रहे हैं एंड्रॉयड या किसी भी मोबाइल फ़ोन के या किसी को भी, मतलब ट्यूटोरियल अपनी पोस्ट के जरिए बता रहे हैं, तो उसमें आप 2, 3, 4 इमेज, 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपकी पोस्ट होती है, अगर आप उसमें 3-4 से ज़्यादा पोस्ट डालते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पोस्ट ऐसी नहीं है कि वो, जैसे मान लिया आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आपकी जो पोस्ट है अगर आप उसे डाल देते हैं तो जो गूगल के रोबोट्स होते हैं वो उसे आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट को वो
जो है इंडेक्स नहीं करते, क्योंकि पोस्ट उनके किसी काम की नहीं है और वो उसे समझते नहीं है, वो आपके टेक्स्ट से ही उस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपकी पोस्ट के अंदर इमेजेस को कम करें और पोस्ट को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करें, यानी उस पर ही आपको फोकस रखना है। इसके बाद आता है ड्रॉप योर कीवर्ड अर्ली, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप जो डिस्क्रिप्शन लगाते हैं जो सबसे नीचे स्निपेट में आता है, तो उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए जिस भी कीवर्ड पर आप अपनी पोस्ट को रैंक कराएं। जैसे आपने लिखा पानी कैसे पिए, तो आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए, तो इसमें वाटर को ज़रूर आपको इंक्लूड करना है अपने URL के अंदर भी, अपनी पोस्ट के टाइटल के अंदर भी और अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और कीवर्ड्स भी वही रहेगा कि वाटर यानी पानी वानी जो भी आपको लिखना है, पानी कैसे पिए उसी से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू ड्रिंक वाटर, हाउ टू मतलब सही तरीका क्या है पानी पीने का, इस तरीके से कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हैव ए मोबाइल फ्रेंडली साइट। जी हाँ दोस्तों, गूगल का एक टेस्ट होता है, गूगल की एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं उसे सर्च करके मोबाइल फ्रेंडली साइट, यानी मोबाइल फ्रेंडली साइट रन टेस्ट, आप उसे सर्च कर सकते हैं रन टेस्ट मोबाइल फ्रेंडली साइट, इस तरीके से कुछ करके है इसमें कि आपको अपनी वेबसाइट का पूरा URL डाल देना है, जैसे www.com जो भी आपकी वेबसाइट का URL है वो, और उसके बाद .com, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब अपना पूरा URL डाल देंगे, URL डालने के बाद उसे रन टेस्ट कर देना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या फिर नहीं। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपको इसे मोबाइल फ्रेंडली बनाना ही बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं बनाएंगे तो आप यकीन मानिए 40-60% के बीच ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर हमेशा ही कम रहेगा, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट जिस तरीके से लैपटॉप में खुल रही है, अब हर किसी के पास लैपटॉप नहीं है और हर किसी के पास मोबाइल नहीं है, और आपने देखा होगा कि आजकल लैपटॉप से ज़्यादा मोबाइल का ही ज़माना है, क्योंकि सब लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो लैपटॉप पर नहीं बैठते हैं घंटों घंटों, वो अपने मोबाइल पर ही चलते फिरते घूमते हुए इधर उधर करते हुए जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी घूमते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, ऑफिस में मोबाइल से ही सब चीज़ें कर लेते हैं। तो आपको मोबाइल पर ही फोकस रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, इसे मोबाइल फ्रेंडली आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे आखिरी बात आती है वह इम्प्रूव वेबसाइट लोड टाइम। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो वेबसाइट है उसका आपको जो लोड टाइम है यानी लोडिंग टाइम, जैसे मान लें मेरी कोई वेबसाइट है, आपकी कोई वेबसाइट है, तो वो कितनी देर में रेस्पॉन्ड करती है। अगर मैं आपकी वेबसाइट को टाइप करता हूँ www.jovi.com है, उस वेबसाइट को अगर मैं टाइप करता हूँ या आपकी कोई URL भी मेरी उस पर स्क्रीन पर आता है, जैसे मैं किसी टॉपिक पर सर्च करता हूँ पानी कैसे पिए, आपने लिखा हुआ है किसी पोस्ट पर कि पानी कैसे पिया जाता है, उसकी चीज़ के बारे में आपने बताया है, तो आपकी जो पोस्ट है मैं जब उस पोस्ट पर जाऊँगा तो वो कितनी देर में रेस्पॉन्ड करती है, कितनी देर में खुलती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। अगर 5 सेकंड से ज़्यादा समय आपकी जो वेबसाइट वो है रेस्पॉन्ड करने में, खुलने में, पूरी तरह से खुलने में 5 सेकंड से ज़्यादा का समय लेती है, तो यकीन मानिए 5 सेकंड से ज़्यादा अगर आपकी वेबसाइट ले रही है तो वो जो है उसकी स्पीड टाइम जो है बहुत ही ख़राब है। आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड रखना है। मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपको 3 सेकंड से ऊपर अपनी वेबसाइट का टाइम नहीं ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड रख सकते हैं, लेकिन उसे आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, अपनी वेबसाइट का SEO अच्छा बनाना है। तो ये आज मैंने आपको इस पोस्ट में बताए हैं, इस वीडियो में बताया है कि आपकी जो वेबसाइट है उसे आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, SEO कर सकते हैं, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कौन कौन से चेकलिस्ट हैं वो मैंने 9 चेकलिस्ट आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फुल्ली वेबसाइट का जो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉगिंग पर है, किसी भी चीज़ पर है, आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।